सरकार और किसान संगठनों के बीच आज फिर होगी बातचीत। बात नहीं बनी तो 5 दिसंबर को पीएम का पुतला फूकेंगे किसान, आंदोलन को देश भर में फैलाने की योजना। किसान आंदोलन से बड़ा हरियाणा की खट्टर सरकार का संकट, सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने मांगा एमएसपी पर लिखित आश्वासन, वरना डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दे सकते हैं इस्तीफा। न्यायाधीशों और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन चेन्नई में गिरफ्तार, आपत्तिजनक वीडियो हुआ था वायरल। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर तमिलनाडु और केरल में अलर्ट जारी, बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा, पेट्रोल की कीमत 15 से 17 पैसे बढ़ी तो डीजल की कीमत में 18 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी। सीबीआई, एनआईए और ईडी के दफ्तरों में लगेंगे सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए गिरफ्तारी और पूछताछ की शक्ति वाली सभी एजेंसियों के दफ्तर में लगे सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग उपकरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को बताया वैध, कहा बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों के जीवन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं। इसराइल की संसद भंग करने का प्रस्ताव पारित, 2 साल में चौथी बार होगा चुनाव, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ी। और कोरोना के टीके के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना ब्रिटेन, अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण।